ओके बच्चों, तो आज हम करते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो मुझे ये बताना है पेंशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ पेंशन फंड क्या होते हैं, थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम एक्ट के अंदर चलेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बात आती है पेंशन क्या है। तो पेंशन क्या होती है, यू ऑल नो दैट पेंशन इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, लेकिन मिलता क्यों है? तो होता क्या है बच्चों, जब एक एम्प्लॉई 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35, 50 साल तक नौकरी करता है कोई व्यक्ति, तो हर महीने जब अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, वो सबसे ज़्यादा खुशी के लम्हे होते हैं। जब मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस अकाउंट, दिस अमाउंट, यस। तो होता क्या है कि लगातार जब हर महीने पैसा आता है, तो एक खर्चने की, पैसे को खर्च करने की आदत पड़ जाती है, उससे अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन जाता है। तो आफ्टर जॉब भी उस बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे, या फिर जो भी होने वाले खर्चे हैं उन खर्चों को पे करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ रहे, क्योंकि रेगुलरली अब जो सैलरी है वो तो अकाउंट में आएगी नहीं। तो इसी के लिए पेंशन का कॉन्सेप्ट होता है। सो पेंशन के लिए एम्प्लॉय अपनी जेब से थोड़ा डालता है, कभी कभी एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से थोड़ा डालता है, और इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन फंड बन जाता है, जिससे उसको धीरे धीरे पैसे मिलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है, व्हाट इज़ पेंशन के बाद, टाइप्स ऑफ पेंशन फंड्स। ओके, पेंशन फंड में बच्चों एक होता है हमारे पास एम्प्लॉय पेंशन फंड, पब्लिक पेंशन फंड, देन एनपीएस। मैंने इसको एक बॉक्स में डाला हुआ है, दैट मींस यही है अपना कॉन्सेप्ट और यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ जिसको हमें ठीक से करना है। ओके, नेक्स्ट इज पेंशन स्कीम्स बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं एम्प्लॉय पेंशन फंड की। एम्प्लॉई पेंशन फंड बच्चों किसके लिए बनेगा ये पेंशन फंड? ये पेंशन फंड बनेगा एम्प्लॉई के लिए। अब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉय भी, ये बात हट के है, अलग है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों पब्लिक पेंशन फंड। अब मेरे जैसा व्यक्ति जो नौकरी नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि एक एज के बाद उसको भी लगातार कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहे, जस्ट लाइक पेंशन नॉर्मल एम्प्लॉयज को जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, तो ऐसे केसेस में पब्लिक भी अपना पेंशन फंड अकाउंट खुलवा सकती है और नॉर्मल आपके जैसे मेरे जैसे लोग भी उसमें पैसे डाल सकते हैं। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस में खुल जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों मेरे पास नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम पूरा ये जो एक्ट है अपना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, तो इसी के अंडर सारा का सारा एनपीएस का ही कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है, नेशनल पेंशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो इसको तो हम एक्ट में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद बच्चों कुछ पेंशन स्कीम्स होती हैं जो चलाती हैं पेंशन स्कीम्स या फंड जो कि बैंक्स या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। तो बैंक्स, आप नॉर्मल बैंक्स के पास जाओगे, उनके पास अपनी एक पेंशन स्कीम की वो लगी होगी, आप किसी भी बैंक के पास जाके पूछ सकते हो कि भाई आपके पास कोई स्कीम है तो हमें बताओ। तो क्या होगा, आज से आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करोगे और एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको वही पैसा धीरे धीरे पार्ट्स में पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने एक्ट की तरफ। ओके बच्चों, तो आगे शुरू करते हैं, अब पढ़ते हैं हम अपने एक्ट को। याद रखना बच्चों, ये एक्ट आपके पूरे लॉ में सबसे नया एक्ट है, सबसे छोटा और सबसे ईजी एक्ट है, इसमें सबसे कम नंबर ऑफ आइटम्स आपको पढ़ने हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो हमारे एक्ट का नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। इस एक्ट के, इस कानून के अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्ट के अंदर बनी अथॉरिटी और सारा का सारा जो भी काम करना है वो इस अथॉरिटी ने करना है। तो अथॉरिटी के अंडर क्या हुआ बच्चों, नेशनल पेंशन सिस्टम बनाया गया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था नेशनल पेंशन सिस्टम एकदम नया कॉन्सेप्ट है और टेक्स्ट में भी अब आप इसको पढ़ने लगे हो, और उस नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर आपको तीन चीज़ें पढ़नी है। सो नेशनल पेंशन सिस्टम इज सेक्शन 20 विच यू हैव टू डू, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री मोर अदर सेक्शन यू हैव टू डू, एंड इन चार चीज़ों के अलावा पूरे चैप्टर में कोई और चीज़ नहीं है। ऑफकोर्स दैट अथॉरिटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एक्ट। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो बस इन चार में से कोई सी एक या दो चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी, तो ये आपका 100% प्रिपेयर होना चाहिए। सो मेरे पास सेक्शन 20 आ गया, किस चीज़ का? सेक्शन 20 है नेशनल पेंशन सिस्टम। उसके बाद सेक्शन 21 है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी एंड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, देन फंड मैनेजर। अब क्या करता हूँ मैं, एक बार ना आपको स्टोरी की तरह बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद एक एक को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपका चैप्टर फिनिश। ओके बच्चों, तो
पूरे के पूरे सिस्टम एनपीएस सिस्टम कैसे काम करता है। तो एनपीएस सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। अब इन तीनों चीज़ों का हम फंक्शंस देखते हैं कि किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ओके बच्चों, तो सीन में सबसे पहले आता है बच्चों एम्प्लॉय, जिसका पेंशन फंड में पैसा जाना है। ओके, सो ये एम्प्लॉय होता है बच्चों, इसी एम्प्लॉय को आप सब्सक्राइबर भी बोलोगे, ठीक है। एक्ट के हिसाब से उसे सब्सक्राइबर भी बोला गया और एम्प्लॉय भी बोला गया। खैर, ये एम्प्लॉय एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन ना, हु विल डिसाइड कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो बच्चों इस एक्ट ने ना सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया है किसको, एम्प्लॉय को। पावरफुल मतलब सारे डिसीजंस पैसों से रिलेटेड यही लेने वाला है। तो पहला डिसीजन तो ये हुआ कि मैं अपनी जेब से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन डालना चाहता हूँ। हु विल गोइंग टू डिसाइड, एम्प्लॉय विल गोइंग टू डिसाइड। अब एम्प्लॉय क्या करता है, इस पैसे को दे देता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को। नाउ व्हाट इज पीओपी, पीओपी लोकल बैंक्स होते हैं, ठीक है। सो ये जाता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पास और कहता है सर जी ये लो मेरे पैसे। अब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को ये पैसे आगे पहुंचाने हैं फंड मैनेजर तक। सो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पैसे ले लेता है और एम्प्लॉय से ये भी पूछता है कि सर बताओ क्या किया जाए इन पैसों का। तो एम्प्लॉय पूछता है भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो ये बताता है कि सर मैं आपका पैसा जब फंड मैनेजर को दूंगा, अब फंड मैनेजर भी बच्चों हमारे पास टोटल 8 हैं अभी प्रेजेंटली, 8 में से एक मैंने एग्जांपल ले लिया एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये एक पेंशन फंड मैनेजर है। तो पहले जो पीओपी है, पीओपी ऑप्शन देता है कि सर ये सारे 8 फंड मैनेजर है, आप कहाँ पैसा जमा करना चाहोगे। तो मुझे लगता है कि भाई एसबीआई सबसे ज़्यादा रिलायबल है, तो मैं एसबीआई के पास पैसा जमा करवाना चाहूँगा। तो एसबीआई को मैं अपना फंड मैनेजर ऑप्ट करता हूँ। पहले तो फंड मैनेजर कौन ऑप्ट करेगा, ये भी एम्प्लॉय की पावर है। कॉन्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड कर रहा है, एम्प्लॉय। अब फिर बोलता है कि सर वो फंड मैनेजर के पास 2 ऑप्शन होते हैं आपके पैसों को, मनी को पार्क करने का या इन्वेस्ट करने का। पहला कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा दो, दूसरा अशोर्ड रिटर्न प्लान्स पे लगा दो। तो दोनों ही केसेस में या तो आप किसी एक में पर्टिकुलरली लगा सकते हो या फिर दोनों में थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली आप पैसा लगा सकते हो। सो ये भी रिकमेंड कौन करेगा, ये भी एम्प्लॉय ही रिकमेंड करेगा। एम्प्लॉय बताएगा कि भैया कितना पैसा कहाँ पे डालना है, ठीक है। सो फिर से देखते हैं, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया लोकल बैंक को, लोकल बैंक वाले ने दे दिया फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर ने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। रुको, अब आप बोलोगे सर वो तो सब बता दिया, लेकिन ये सबसे पहला सेक्शन 21 सीआरए कहाँ गया। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के बच्चों नाम में ही क्या है, इसके नाम में ही है बच्चों रिकॉर्ड कीपिंग। सो क्या काम करेंगे ये, तो जितना भी प्रोसेस हो रहा है पैसों का, एम्प्लॉई का, पीओपी का, इन सब के बीच में जहाँ जहाँ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन होना होगा, वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना काम होता है सीआरए का, ठीक है। ओके बच्चों, तो जैसे अभी आपने एक फ्लो चार्ट में देखा था जो हमने डिज़ाइन बनाया था नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, अब यही बात बच्चों पूरी की पूरी किताब से पॉइंट टू पॉइंट मैंने उठाया और एनपीएस के बारे में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ है। चलो वन बाय वन पॉइंट को कवर करते हैं। तो एनपीएस सेक्शन 20 सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है एवरी एम्प्लॉई और सब्सक्राइबर उसको इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट उसका बनाया जाता है और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसे बच्चों हमारे पास एक पैन कार्ड होता है वैसे ही एक पैन नंबर होता है जो कि रिटायरमेंट अकाउंट बताता है हमारा, और हर एक एम्प्लॉय और सब्सक्राइबर का एक रिटायरमेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। सो जितनी भी डीलिंग होगी सब उस अकाउंट के थ्रू होगी। नेक्स्ट कहता है सीआरए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी वो क्या करेगी, वो रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटिंग करेगी, ये भी बात हमने देख ली थी अपने फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट, सब्सक्राइबर्स चॉइस टू इन्वेस्ट हिज कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अशोर्ड रिटर्न प्लान्स, ये भी हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय डिसाइड करेगा कि भैया मेरी जेब से जो पैसा जा रहा है उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है, आइदर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अश्योर्ड रिटर्न प्लान्स। करता कौन है, करता फंड मैनेजर है, बट करवाता कौन है, करवाता है एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी इन केस ऑफ चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो बच्चों जैसे हमारे पास फ़ोन है, मेरा जो भी फ़ोन नंबर है इसको मैंने एयरटेल से जियो पे पोर्ट करवा दिया, जियो से किसी और पे, सिमिलरली हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट मेरी चेंज होती रहे बट जो मेरा अकाउंट नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। तो क्या बोलता है, अपने पास वही जो अकाउंट नंबर है उसकी पोर्टेबिलिटी रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की बात करी थी, क्या करता है एम्प्लॉय से पैसा लेता है और फर्दर इस पैसे को किसको दे देता है, एम्प्लॉय से पैसा लेता है और ट्रांसमिट कर देता है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को टू फंड मैनेजर्स। ओके, नेक्स्ट इज
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये वन मार्क वाला पॉइंट है जो आपका ऑब्जेक्टिव्स आते हैं स्टार्टिंग में वहाँ पे वन मार्क का आ सकता है। तो आपने जब टैक्स में पेंशन पढ़ा होगा कुछ कम्यूटेड होती है, कुछ अनकम्यूटेड होती है, मतलब कुछ पैसा एक साथ मिल जाता है और कुछ धीरे धीरे आगे तक लंबे टाइम तक मंथली मिलता है। तो वो जो सारा का सारा पैसा बच्चों एक साथ मिलता है उसकी एक लिमिट होती है अंडर NPS कि मैक्सिमम विड्रॉल आप 25% कर सकते हो, इससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट एग्जिट का मतलब है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो NPS सिस्टम है, एक एम्प्लॉई जैसे ही उसका प्रैन नंबर बनता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बनता है, वो इस सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब सिस्टम से बाहर जाने की बात हो रही है, तो सिस्टम से बाहर कैसे जाएगा बच्चों, कहता है एग्जिट ओनली एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब जैसा जैसा कानून ने बोला है, अथॉरिटी ने जो रूल्स बनाए हैं उसी के हिसाब से वो एग्जिट कर सकता है। आगे कहता है ऑन एग्जिट ही शेल परचेज एन्यूटी प्लान फ्रॉम LIC। सोचो बच्चों, हर महीने हज़ार रुपये मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, धीरे धीरे वो कॉन्ट्रीब्यूशन सोचो अगले 50 साल के लिए इकट्ठा हो गया। अब मैं खुश हो रहा हूँ कि भैया वो जो 50 साल में इकट्ठा किया है सारा का सारा रखूँगा, बोरे में भर के ऐसे ले जाऊँगा घर और ऐश करूँगा। बट NPS क्या कहता है कि भैया सारा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, LIC से एन्यूटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। परचेज नहीं मतलब लेना पड़ेगा। तो जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपने जमा करवाया था, मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल कि मैंने 100 रुपये जमा करवाए थे, तो मेरे को ऐसा एन्यूटी प्लान मिल सकता है कि अगले 1-1 रुपये आप ले लो अगले 100 महीने के लिए, या फिर 2-2 रुपये ले लो अगले 50 महीनों के लिए। तो इस तरीके से एन्यूटी प्लान होता है जो कि LIC ही देता है, और ये प्लान स्पेशली रिटायरमेंट प्लान्स ही होते हैं कि आप कितने लंबे पीरियड के लिए कितना कितना अमाउंट लेना चाहते हो। सो आपका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन का हिस्सा था प्लस NPS या फिर जिस स्कीम से जो रिटर्न या इंटरेस्ट उसमें ऐड ऑन हुआ है, वो सारा का सारा पैसा आपको एन्यूटी प्लान के थ्रू वापस मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट में आज आप रिटायर हो गए, एग्जिट कर गए तो सारा पैसा एक साथ मिलेगा। तो याद रखना हमेशा LIC से एन्यूटी प्लान मिलेगा आपको। ओके, देन लास्ट पॉइंट ये बहुत सिंपल है कि NPS के अंदर एक पर्टिकुलर ये नहीं दे रखा कि भैया आपको 12% या 17% पे ही कमाई होगी जो भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे। ये डिपेंड करता है मार्केट मैकेनिज्म में कि आपके पैसे कहाँ कहाँ हैं। हाँ, लेकिन कोई अश्योर्ड रिटर्न, जैसे हमने कहा था कि ये है आपके पास अश्योर्ड रिटर्न प्लान, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं जैसे मार्केट बेस्ड रिटर्न होती है ये, कि जहाँ पे हम कहते हैं कि कम से कम आपको 7% या 10% मिलेगा ही मिलेगा। सो अश्योर्ड रिटर्न में अगर किया है तो वहाँ पे आपको एक मार्केट रिटर्न या पर्टिकुलर फिक्स्ड स्पेसिफिक रेट पे मिल सकता है, बट नॉर्मली आपको नहीं पता चलेगा कि ओवरऑल कितने बेनिफिट्स या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो NPS हमारा हो गया है। NPS के बाद उसके अंदर तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, CRA, POP एंड फंड मैनेजर। तो सबसे पहले आते हैं CRA पे, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, एंड जैसे नाम में आ रहा है रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो पहला पॉइंट कहता है अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी। अब अथॉरिटी कौन है, तो इस एक्ट के अंदर अथॉरिटी कौन था बच्चों, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो कि एक्ट के अंदर क्रिएटेड है। तो उस अथॉरिटी ने कोई भी रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को अपॉइंट करना है। तो रिकॉर्ड कीपिंग कुछ एजेंसीज होती है जो कहते हैं सर हम आपके लिए, हम गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे या फिर हम अथॉरिटी में काम करेंगे, तो हमें एजेंट बना लो। सो इस टाइप की एजेंसी होती है जिसको अथॉरिटी अपॉइंट करती है। फिर ये एजेंसी क्या करेगी बच्चों, रिसीव्स इंस्ट्रक्शन थ्रू POP, दैट मीन्स एम्प्लॉय। बच्चों फ्लो चार्ट में एम्प्लॉय सबसे पहले कहाँ गया था, एम्प्लॉई सबसे पहले गया था POP के पास, और POP को ही पैसे दे के आया और इंस्ट्रक्शन दे के आया कि भैया ऐसे ऐसे करना है। अब POP पैसे तो फंड मैनेजर को दे देगी, बट इंस्ट्रक्शन किसको देगी, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को। ओके, इंस्ट्रक्शन इसको मिलेगी और फिर ये इंस्ट्रक्शन को जो कि POP से मिली है किसको आगे दे देगा, फंड मैनेजर को, सर इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करना और यहाँ इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज ड्यूटीज एंड फंक्शन असाइन बाय द अथॉरिटी। सिंपल सी है, तो अथॉरिटी ने जो जो काम करने को कहा है भाई वो तो करना ही पड़ेगा अगर अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड हो तो। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पहले मैं पॉइंट समझा देता हूँ। सोचो आप मेरे बिहाफ पे एक काम कर रहे हो जिसमें आप सैकड़ों लोगों का डाटा मेंटेनेंस करते हो। ठीक है, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि 1 साल तक आप मेरे बिहाफ पे डाटा मेंटेनेंस करोगे। मान लो आपने करोड़ों लोगों का डाटा मेंटेनेंस करा जिसमें अकाउंट्स की फाइल्स आ गई और बहुत सारी चीज़ें आ गई, सॉफ्टवेयर्स में आपने डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब होता क्या है कि 1 साल ओवर हो गया, अ
अब मैं कहता हूँ चलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो फिनिश हो गया, तुम्हारी पेमेंट मैंने कर दी है, अब तुमने मेरे बिहाफ पे जितना डाटा मेंटेन किया था लाओ डाटा मेरे को दे दो। तो वो कहेगा ठीक है सर एक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव दे देना, मैं सारा डाटा दे दूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ फिजिकल फॉर्म में भी होगा, वो सारा डाटा भी मैं लूंगा। तो अगर हमारा जो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का, जब वो रिवोकेट होता है या फिर जब वो एक्सपायर होता है, तो ऐसे केसेस में क्या कहा गया कि ऑन रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल एसेट आइदर ओन्ड या फिर लीज्ड या फिर डेवलप्ड, मतलब उसने खुद खरीदे हों या परचेज करे हों या खुद बनाए हों या लीज पे लिए हों, डजेंट मैटर, वो सारे के सारे एसेट कौन ले लेगा, विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी। दैट मीन्स अथॉरिटी वो सारे के सारे एसेट्स ले लेगी, फिर ऐसा नहीं है फ्री में ले लेगी। सोचो आपकी एजेंसी थी, आपके सारे एसेट कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ मैंने ले लिया, लेकिन बदले में कुछ मिलेगा आपको। ये सब इसलिए बच्चों क्योंकि तामझाम बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा अगर आप एक एक करके उसको डाटा देने लग गए पेन ड्राइव पे या किसी और चीज़ में। ठीक है, सो ये बात ही थी सारी की सारी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से रिलेटेड। और अब इसके बाद हमें सिर्फ दो चीज़ें करनी है, POP एंड फंड मैनेजर्स। आ जाओ। ओके बच्चों, सो आफ्टर डूइंग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन वाइज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। नॉर्मली हमने देख लिया था कि एम्प्लॉय के बाद सेकेंड स्टेप पे ये आता है, एम्प्लॉय से इंस्ट्रक्शन भी लेगा, पैसे भी लेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन उससे को मिलेगी वो इंस्ट्रक्शन दे देगा CRA को, और जो पैसा मिलेगा वो फंड मैनेजर को। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, रिसीविंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय से कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करेगा। बच्चों एम्प्लॉय एंड सब्सक्राइबर दोनों एक ही हैं, तो साथ साथ यूज हो सकते हैं ये वर्ड्स। नेक्स्ट, ट्रांसमिटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड मैनेजर और पेंशन फंड। फंड मैनेजर एंड पेंशन फंड भी सेम चीज ही है। ठीक है, सो क्या करेगा, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से रिसीव किया उसे आगे दे देगा फंड मैनेजर को। उसके बाद ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू CRA, एम्प्लॉय से जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी वो इन्फॉर्मेशन किसको दे देगा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को। नेक्स्ट कहता है पेइंग आउट द बेनिफिट्स टू सब्सक्राइबर। उसके बाद सब्सक्राइबर से पैसे भी लेता है, और अगर सब्सक्राइबर को ज़रूरत होगी या कोई बेनिफिट्स होंगे तो वो बेनिफिट्स भी उसको पे कर देगा। नेक्स्ट कहता है फंक्शन इन अकॉर्डेंस टू द टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा है, लाइक जब अथॉरिटी ने किसी बैंक को कहा होगा कि भैया आपको मैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बना रहा हूँ तो तुम्हें ये फंक्शंस करने हैं, ये काम करने हैं, इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो ये उन्हीं काम को करेगा और उस तरीके से ही काम को करेगा जैसे अथॉरिटी ने बोला होगा। सिंपल, बस इतनी सी चार पांच पॉइंट है हमारे पास POP के। एंड लास्ट आ जाता है मेरे पास फंड मैनेजर। सो बेसिकली फंड मैनेजर ही बच्चों मेरे पास पेंशन फंड है। सो ये फंड मैनेजर अपने ही पेंशन फंड में पैसे डाल देते हैं। सो पेंशन फंड एंड फंड मैनेजर इज सेम, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, सो क्या करता है, रिसीविंग एक्यूमुलेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है रिसीव करता है उसको इकट्ठा करता है, आगे आपको पता है इन्वेस्ट भी करता है, इन्वेस्ट करने पे जो भी रिटर्न आता है ढेर सारा इन्वेस्ट कर देता है। उसके बाद मेक पेमेंट्स टू सब्सक्राइबर, हैं सब्सक्राइबर को पेमेंट करता है, पर थोड़ी देर पहले तो हमने बोला था कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें एन्यूटी प्लान मिलते हैं LIC के, तो फिर ये क्या पे कर रहा है सब्सक्राइबर को। सो उससे भी थोड़ी देर ऊपर या थोड़ा सा पहले बच्चों ऊपर पढ़ा था हमने कि मैक्सिमम विड्रॉल फ्रॉम पेंशन फंड इज 25%। सो अगर किसी को ज़रूरत है वो 25% फंड निकाल सकता है। कौन देगा वो फंड, उसके टोटल फंड में से, एम्प्लॉय के टोटल फंड में से निकाल के फंड मैनेजर उसको पैसे दे देगा, किसको, मेक पेमेंट्स टू सब्सक्राइबर। तो ये उस 25% की बात है, बाकी तो जो लास्ट में होता है वो कौन पे करता है, वो LIC के एन्यूटी प्लान के थ्रू पेमेंट मिलती है। ठीक है, सो इस एक्ट में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये 20 मिनट की भी वीडियो नहीं बनी है और इजी तरीके से बहुत तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते बोलते कहीं और सोच में चले जाते हैं, जो लब आ जाती है, तो वैसे जी लब आ गई मेरी। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, बस इतना ही था। ऑलमोस्ट इसी तरीके से जैसे जैसे हम अलग अलग एक्ट्स करेंगे, शॉर्टकट में सारा का सारा क्रक्स तोड़ के जो चीज़ एग्ज़ाम में आएगी और जो चीज़ कॉन्सेप्ट को समझा दे, इस तरीके से मैं आपको सारे के सारे टॉपिक करवा दूंगा। देख ही लिया होगा बच्चों एग्ज़ाम में अभी तक यही तीन चीज़ें उसने पूछी हैं, NPS, POP एंड CRA, यही तीन चीज़ पूछी है। एंड जितना मैटर मैंने लिखवाया है उतना ही मैटर आप एग्ज़ाम में लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म कर लेना, ईजी भी है और कम से कम 6 से 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, पढ़ते रहो।